नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मटन करी बनाएंगे, तो चलिए देखिए हम कैसे बनाते हैं। मटन करी बनाने के लिए हमने ये 500 मटन लिया हुआ है, हमने अच्छे से इसे धो लिया है। इसमें हम 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक और लहसुन बराबर लिया जाता है मटन में, तो आप बराबर लीजिएगा। 1 छोटा चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। हम ये 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप जितना तीखा खाते हैं आप अपने अनुसार डालिएगा लाल मिर्च। ये 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच करीब, बाद में भी नमक डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, तो काट लेते हैं धनिया पत्ता। एक चम्मच हम घी डाल देंगे। इसमें दही भी आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, हमने नहीं डाला है, हम घी डाले हैं। घी के साथ दही भी डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डाले हैं, हम घी डाले हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके लिए रख देंगे। इसको ढक देते हैं। 500 मटन में आप 4 से 5 प्याज ले सकते हैं। हमने कट कर लिया है, ये देखिए, एक ही तरह से प्याज को कट कीजिएगा। मटन हमारा रेस्ट हो रहा है, तब तक हम उसमें डालने के लिए मसाले को रेडी कर लेंगे। ये हमने 1.5 चम्मच धनिया लिया हुआ है, 2 चम्मच जीरा और मरीच लिया है, ये 4 इलायची लिया है, लौंग लिया है 4, ये 2 बड़ी इलायची है और ये दालचीनी है। ये हमने ऊपर पैन रखा है, गैस के ऊपर गरम हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, ज्यादा नहीं भूनना है इसे, बस थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है, खुशबू आने लगी। मसाले को हम निकाल लेंगे प्लेट में, ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे जार में पीस लेंगे। इसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल हमारा गरम हो गया है, हम तेज पत्ता डाल देंगे, 2 सूखी मिर्च डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, इसके साथ काली मिर्च भी डाल देंगे, बड़ी इलायची है और छोटी इलायची वो भी डाल देंगे, प्याज को डाल देंगे इसमें। अब हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे। प्याज को बीच बीच में चलाते रहें, जले रहें, जब तक अच्छे से भून न जाए। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम मटन को कुकर में डाल देंगे। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक हमने पहले भी डाला था, कम नमक डालेंगे अभी हम। इसको हम अच्छे से भूनेंगे, मटन अपना पानी कुछ छोड़ेगा, देखिए तब तक भूनेंगे हम। देखिए मटन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। मटन हमारा भून गया है, देखिए कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें, ये मसाला हमने जो भून के रेडी किया हुआ है हम उसे डाल देंगे। इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे, सिर्फ 1 चम्मच हम रखेंगे, इसे हम बाद में डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ी देर और भूनेंगे टमाटर गलने तक। मटन देखिए कितने अच्छी तरह से भून गया है, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। इसे हम ढक देंगे अब, और 3 से 4 सीटी मटन हमारा बन के रेडी है। अभी मटन हमारा बन गया है, देखिए कितना अच्छा कलर आया है मटन का। मटन में डालने के लिए हम एक तड़का रेडी करेंगे। ये हमने 1 चम्मच घी लिया है, घी को गरम कर लेंगे। घी हमारा गरम हो गया है, मसाला जो हमने पहले रेडी किया था मटन में डालने के लिए, वही मसाला हमने बचा के रखे हुए थे 1 चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे। खुशबू
खुशबू आने तक हम इसे भूनेंगे अच्छे से। देखिए तड़का हमारा रेडी है, अब इसे हम मटन में डाल देंगे। देखिए मटन कितना सुंदर हुआ है, देखने में बहुत अच्छा है। करी हमारा बन के रेडी है, आप भी इसे ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बनाइए ऐसे मटन करी, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।